आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखो शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सिया का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म पलाना गांव में हुआ, जो कि बीकानेर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और माता ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण किया। गुरुदेव का बचपन अनाथालय में बीता और वहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उत्तर रेलवे में क्लर्क के पद पर कार्य करना आरंभ किया। प्रारंभिक जीवन काल में गुरुदेव को आध्यात्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। सन 1967 में अचानक परिस्थितियां विपरीत हो गई। तब उन्होंने सन 1968 की शरद ऋतु में शुरू होने वाली नवरात्रा से गायत्री मंत्र के जाप के साथ यज्ञ करना आरंभ किया। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति तक गुरुदेव की एकनिष्ठ एकाग्रता बनी रही। 1 जनवरी 1969 की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। इस आराधना के बाद गुरुदेव का जीवन पूर्णतः सात्विक हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव को गुरु धारण करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्म मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे एवं इनका बचपन सिरमा गांव में बीता और आध्यात्म की तलाश में गुरु को खोजते हुए काजलवास जा पहुंचे। जहां उनके गुरु श्री भावनाथ जी काजलवास में तपस्या किया करते थे। काजलवास आदिकाल से ही नाथों की तपोस्थली रहा है। यहां पर 11 नाथों की जीवित समाधियां हैं। श्री धुंधला धोरमनाथ जी, श्री मोटा रावल जी, श्री कंकरिया नाथ जी, श्री वनखंड नाथ जी, श्री कान्हा नाथ जी, श्री गंगा नाथ जी, श्री दौलत रावल जी, श्री चरपट नाथ जी, श्री भावनाथ जी। काजलवास में अंतिम जीवित समाधि श्री भावनाथ जी की है, जिन्होंने बाबा श्री गंगाई नाथ जी को गुरुपद सौंपा और जामसर में तपस्या करने का आदेश दिया और यहाँ बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने कठोर तपस्या की। जब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सन 1983 के मध्य में दूसरी बार जामसर गए, तब बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव सियाग पर अहेतु की कृपा कर गुरुपद उन्हें सौंप दिया और आगे के कार्य और साधना करने का आदेश दिया। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः 5:22 पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए।
उनकी समाधि उनकी तपोस्थली के नजदीक ही स्थित है। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो। उसके पश्चात गुरुदेव ने रेलवे सेवा से स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों को दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं। इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक आदि भौतिक आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृत्व की संज्ञा दी है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है उन रोगों से मुक्ति सिद्ध योग दिला सकता है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। सिद्ध योग में अन्य सभी योग शामिल रहते हैं, अतः इसे महायोग भी कहा गया है। जागृत कुंडलिनी पर सिद्ध गुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। सिद्ध गुरु ही उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के रीढ़ के निचले हिस्से में सुषुप्तावस्था में रहती है। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाद शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पातंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन बंध मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर मन प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरंतर टपकने वाला दिव्य रस जिसे अमृत कहा जाता है साधक के शरीर में पहुंचकर सभी प्रकार के असाध्य रोग जिन्हें चिकित्सा विज्ञान लाइलाज मानता है उन्हें ठीक कर देता है। मैं बुधराम बिश्नोई भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया। उसके 3-4 दिन बाद में मेरे पास अस्पताल से लेटर आया कि आपका HIV और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने सिविल में जे हॉस्पिटल से भी टेस्ट करवाया, वहाँ से भी मुझे HIV पॉजिटिव का रिपोर्ट मिला। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बुखार और लूज मोशन ने घेर लिया और नींद भी नहीं आती थी। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो करीब 15 दिन तक मैं एडमिट रहा। मुझे पानी पीते ही दस्त लग जाते थे, खाना खाते ही दस्त लग जाते थे। रात में 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी।
किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, मन में बुरी तरह चिड़चिड़ापन आ गया था और जीने की उम्मीद एकदम खो चुका था, सुसाइड के तरीके ढूंढ रहा था। उसी दरमियान मुझे अर्जुन सिंह जी जो हमारे नेवी में मेडिकल असिस्टेंट है वो मिले, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ के रहने वाले, मैं बोला जोधपुर का, फिर गाँव का नाम पूछा, गाँव का नाम बताया तो उन्होंने बोला कि HIV ठीक हो सकता है, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं बोला जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि HIV असाध्य है तो ठीक कैसे हो सकता है। शाम को अर्जुन सिंह 27 मई 2008 को शाम को अर्जुन सिंह जी शाम को 5 बजे आए, साथ में गुरुदेव का पोस्टर था और आके उन्होंने मुझे ध्यान का तरीका बताया। मुझे मन में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं था तो मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो 7-8 दिन तक मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा, फिर मैं बीच में एक दिन इंटरनेट पर बैठा, वहाँ से अपने गुरुदेव की जोधपुर आश्रम से, अरे वसई आश्रम से गुरुदेव का CD लेके आया। CD देखा तो CD में लोगों को अपने आप योग हो रहा था, तो उनको देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं बोला ऐसे तो हो ही नहीं सकता, अगर हम करना नहीं चाहते तो अपना आप कैसे होगा, ये पक्का ऐसे पैसे देके बैठाया होगा और अपने आप कर रहे होंगे। तो मैं 15 दिन तक मुझे कोई योग क्रिया नहीं हुई, 15 दिन अपने आप इतना ज़ोर से प्राणायाम शुरू हुआ, तब जाके मेरा गुरुदेव के चरणों में पूरा समर्पण हो गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा लूज मोशन एकदम बंद हो गया, बुखार आना बंद हो गया और जो मेंटली टेंशन थी वो एकदम रिलीज हो गई, टाइम पे नींद आने लग गई और मेरा 7-8 किलो वजन कम हो गया था, धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हो गया। अभी आज के दिन मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे CD4 भी, अभी कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, CD4 पहले मेरे 399 थे, अभी 499 पहुँच चुके हैं अपने आप, और वेट मेरा 8-9 किलो बढ़ चुका है। और 24 घंटे गुरुदेव को अजपा लगा रहता है और नाद सुनाई देती है और खेचरी मुद्रा लगती रहती है, हर 4-5 मिनट में एक बार खेचरी मुद्रा लग जाएगी, जैसे मंत्र जाप करूंगा जीभ अपने आप पीछे भाग जाएगी। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है एवं साधक को समस्त प्रकार के नशों से मुक्ति मिल जाती है। 1999 में मुझे नाक का कैंसर हुआ था, गुरुदेव के ध्यान में जब से मैं पूर्णतया ठीक। मैं पिछले 5 साल से आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थी और गुरुदेव का नाम जप और ध्यान से अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मुझे पेम्पिकल वर्गस स्किन डिजीज थी, गुरुदेव के नाम और ध्यान से अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मैं पथरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट व माइग्रेन से पीड़ित था, गुरुदेव के फोटो का नियमित ध्यान करने से मात्र 7 दिन में ठीक हुआ। अरविंद और स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणियां अब मूर्त रूप ले रही हैं। युगों के संबंध में हिंदू दर्शन कहता है कि प्रत्येक युग का अंत अवतार के अंतर्ध्यान होने से होता है। जैसे श्री राम के जाने के बाद त्रेता युग खत्म हुआ और श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वापर युग खत्म हुआ, इसी प्रकार इस कलयुग का अंत कल्कि अवतार के अंतर्ध्यान होने के साथ हो जाएगा। इस युग का अंत पतन से नहीं बल्कि इसके उत्थान से होगा। इस युग के अंत से पहले संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, इस प्रकार नया सतयुग आरंभ होगा। भारतीय दर्शन में वर्णित अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार 10वें अवतार के कारण संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। श्री अरविंद ने इस 10वें अवतार के अवतरण को बहुत नजदीक से देखा था और कहा था कि 24 नवंबर 1926 को इस पृथ्वी पर अवतरित हुई सत्ता 1967 में मानवता में प्रत्यक्ष अनुभूति कराने लगेगी। श्री अरविंद ने यौगिक शक्तियों से कई असाध्य रोगियों को मुक्त किया था, किंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं सुप्रा मेंटल फोर्स का उपयोग इस कार्य में नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद ने कहा कि ये अवतरित सत्ता इस सुप्रा मेंटल फोर्स की शक्ति से संपूर्ण मानवता में एक नया परिवर्तन लाएगी और आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार 3 पैगंबर आने हैं, इस प्रकार मूसा यीशु आ चुके हैं और तीसरा पैगंबर आएगा। इससे संकेत मिलता है कि तीसरा और अंतिम पैगंबर मानव देह धारण किए हुए प्रकट होने वाला है, जब उसे संपूर्ण जगत विश्व स्तर पर स्वीकार करेगा तभी नरसंहार समाप्त होगा। इस संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणी है कि जो व्यक्ति अनिश्चित काल तक का भूत भविष्य दिखा और सुना देगा, ईसाई जगत उसे ही तीसरा अवतार स्वीकार करेगा। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र
जोधपुर द्वारा देश विदेश में नियमित रूप से शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में महायोगी श्री मत्सेंद्र नाथ जी के आदेश से गुरुदेव श्री सियाग जुलाई 2007 में इसराइल यात्रा पर गए। गुरुदेव का उद्देश्य इस वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। जब तक सर्वम खलविदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण मानव जाति में विकसित नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति असंभव है और पूरे विश्व में शांति केवल मृग मारीचिका ही बनी रहेगी। और ये कार्य भारतीय सिद्ध योग दर्शन के अंतर्गत शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव मात्र में आंतरिक परिवर्तन आने से ही संभव है। गुरुदेव श्री सियाग ने इसी क्रम में 3 बार अमेरिका की यात्रा की। गुरुदेव न्यूयॉर्क, मिशिगन और ओहियो स्टेट गए और वहां के लोगों को वैदिक दर्शन से अवगत कराया तथा शक्तिपात दीक्षा प्रदान कर उन्हें आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान अमेरिका के कई राजनीतिज्ञ एवं प्रबुद्ध व्यक्ति गुरुदेव के सानिध्य में आए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, इटली, कनाडा एवं यूरोपीय देशों में भी संस्था के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको भारतीय वैदिक दर्शन की जानकारी देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देंगे, जिसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना होगा। उसके बाद गुरुदेव आपको 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान करने को कहेंगे। इस दौरान आप अपनी आंखें बंद रखेंगे एवं गुरुदेव के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर सोचेंगे तथा उनके द्वारा बताए दिव्य मंत्र को मन ही मन जपते रहेंगे तथा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यदि शरीर में कोई क्रिया होती है तो उसकी चिंता ना करें। मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए ऐसा कराती है। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे? वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ आप लोगों की तरह, गंगानाथ जी को गुरु बना लिया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे को करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था, 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। गुरुदेव के आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूँ। 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इसराइल किया। इसराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं,
जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हजारों औरतें स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाते हैं, इसमें बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को एक सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ये सूर्य नगरी में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केस। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है, तो मैंने किया वो बाकायदा यज्ञो भी धारण करके 1,25,000 जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधा से आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को, तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। एक मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर, आँख बंद थी। फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से, मैंने तो कंठ से जपा था 1,25,000, वो नाभि से जपा जा रहा है। और सारे लीवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह दिनकर, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए उस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा ये मतलब हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये वेद, ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधी ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज।
फिजिकल मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी, जो चीज़ मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूँ, समझे ना। गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव ऐश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरु है। तो इस प्रकार गुरु गंगाईनाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंभा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियाँ होगी, सगुण के और निर्गुण के। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्ना मत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए ससुराल में पहुँच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियाँ अगर एक ही जीवन में एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंभा आज तक नहीं हुआ। भारत में कोई लाखों एनजीओ है जो एड्स के अवेयरनेस के लिए प्रचार करते हैं और अरबों डॉलर आ रहे हैं देश में। सोनिया गांधी को लिखा मैंने, सरदार जी को लिखा, मनमोहन सिंह जी को, अटल जी को लिखा था, सुषमा स्वराज को लिखा था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे मतलब सत्ता लोलुप्त ऐसे लोग हैं जिनको केवल धन से मतलब है। और सोनिया गांधी बेचारी क्या जाने हमारे देश के बारे में। तो इस प्रकार ये दोनों सिद्धियाँ हो गई तो मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। भारत सरकार सोचती होगी कि 82 साल का बूढ़ा है, मर जाएगा, इसीलिए मेरे खिलाफ कोई बोलती नहीं है। कईयों को नोटिस दिए, मेरे को नोटिस नहीं दिया, समझे ना। केन गोविंदाचार्य मेरा चेला है, भैरव सिंह शेखावत मेरे शिष्य हैं, मगर बोला कोई नहीं। उनको केवल धन चाहिए, धन चाहिए, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा और अभी योग शुरू हो जाएगा। बहुत गुरु कहते हैं कि 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जितने भी गुरु हैं उनका कोई गुरु नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनसे अच्छी करवाता है। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी, और तुम्हारा गॉड जो है एक ही HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। आज तक नहीं बचा HIV पॉजिटिव होने के बाद में, विश्व में नहीं बचा। अब वो केवल मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मिट रहा है। तो पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस प्लेनेट पे ये प्रचार हो जाए कि इसकी तस्वीर से योग हो रहा है और एड्स और कैंसर मिट जाएगा, तब फिर हमने जो अंबार लगा लिए दवाइयों को उसका क्या होगा। बिल गेट्स को भी मैंने बॉम्बे से मैसेज दिया था, मैंने कहा अगर वास्तव में आप लोग चाहते हो मानवता से एड्स खत्म हो, केवल भारत से नहीं, तो हमारी वेबसाइट देखो। तो उसकी मिलिंडा गेट्स, उसने जवाब दिया कि हाँ हमने देख लिया, ज़रूरत होगी तो आ जाएंगे, नहीं आए।
क्योंकि वो सब धन चाहते हैं, धन चाहते हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार कैसे अंधी हुई हुई है। तो इस प्रकार एक ऐसा प्रचार हो रहा है, अगर प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, एड्स मिट रहा है, तो पाश्चात्य संस्कृति की हालत दयनीय हो जाएगी, समझे। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा, समझे सर। आप चाहोगे तो नहीं होगा, जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा, समझे। योग में आठ अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में आठ अंगों का अनुष्ठान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से पांचों काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, धारणा ध्यान और समाधि उसमें टाइम लगेगा। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि, जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देंगी। इस प्रकार योग जो होगा, योग में मतलब आठ प्रकार की वायु आई है, प्राण अपान समान उदान और ज्ञान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव एक्सरसाइज करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या क्या करवाता है, इसमें भी होगा आपको, मगर आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही होगा। वो जो करवा रहा है वो मतलब हर रोग में एक ही बात करवा रहा है, प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, और कुंडलिनी जैसे आप देवी के राधा सीता पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में साढ़े तीन आटे लगा के मुंह अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है, आटे योग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहाँ देखना है, मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो, आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे। कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई, कहे तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहाँ से छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहाँ तक पहुँचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, समझे नहीं समझे, खर्चन जैसे नहीं कूटता है। तो इस प्रकार जो योग होगा और अभी होगा, समझे,
अब मैं ध्यान करवाऊँ आपको, यहाँ मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊँ। एक छोटा सा सेंटेंस है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे, समझा दो मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, समझे ना समझे। पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है, आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, वो उसमें आ गया, मर जाता तो उसमें नहीं आता। इस तरह से आप लोग जीते बैठे हो, उसका नाम जप करोगे तो अभी से आ जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया, अब वो बंद नहीं होवे। तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आप चाहे किसी रोग से बीमार हो, एड्स हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस बी हो, ब्लड कैंसर, रेनबैक से की रिपोर्ट है मेरे पास 500 की, समझे। अब वो जवाब क्या, उनके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, HIV पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों साथ है। मैंने भारत सरकार को दे दी, वसुंधरा को दे दी, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा अंग, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप, मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे समर्थन झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। राजा जनक का उदाहरण दूं मैं आपको, राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, बहुत गुरुओं को बुला लिया, नहीं पार पड़ी, फिर उधर से अष्टावक्र जी आ गए। अष्टावक्र जी को देख के वो लोग हंस दिए, दूसरे गुरु। तो जब जनक ने पूछा महाराज ये समस्या है, तो उसने कहा राजा ये तो कोई समस्या नहीं है, तू राजा है, जनक है, और ऑर्डर से अगर ये ज्ञान प्राप्त करना तो नहीं मिलेगा, तो तेरे को झुक के ही मांगना पड़ेगा। फिर उनका जवाब दिया गुरुओं का कि ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन, इनको इस ज्ञान इसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े के एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, बशर्ते तुम झुक के मांग ले। तो उदाहरण ये है कि कहते हैं 3 दिन तो खड़े रहे जनक। तो ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला, हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप, समझे ना समझे। वो स्पीच देते देते
किताबी ज्ञान तो उगड़ दिया, अब आज क्या बोलेंगे, स्टेज पे चले गए बेचारे, बोलने लगे, नीचे उतरे तो कहने लगे आज मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, मगर तालियां सबसे ज़्यादा बजी, समझे। तो कितने लोग, कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली लागन है, हैं, कोई सुनता है, मेरी क्यों सुनेगा। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि नाम जब करते रहो नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा, आज ही फैसला हो जाएगा, लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझे समझे। बाकी सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है, एड्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस भी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रही है, योग का आठ अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो धारणा ध्यान और समाधि ये तीन सूक्ष्म अंग है, इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते ही अपने आप हो जाएंगे, ये चेतन समाधि है, समझो, जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने आनंदमय कोष तक तो चेतन कर लिया, मगर चित्त और सत्य आज तक अनटच्ड है। ऋषि अरविंद ने साफ घोषणा की है आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, एक खेचरी मुद्रा और होते खेचरी मुद्रा, गुजरात में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं खेचरी मुद्रा को, जीव अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है उसको पिंच करती है, वहाँ से एक रस टपकता है, उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है, अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बर बर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है, तब फिर दूसरा जन्म क्यों होगा। कबीर ने एक उदाहरण दिया है, जल बीच कुंभ, कुंभ भी जल है, बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना, यह गति विरलिन जाने। पानी का घड़ा है मट्टी का, उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर रख दो तो बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, फिर वो कहता है विघटा कुंभ जल जल बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक, ये गति विरले न जानी, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो भाई ये जो लिए बैठे हो ना घड़ा, ये तो आज नहीं कल गढ़ना ही गढ़ना है, और इसको दोबारा नहीं बनना, इस घड़े को दोबारा नहीं बनना चाहते तो फिर नाम ही जपो। कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर तरी पारा। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास बोले, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल बिढ़े दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियाँ होगी इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। भारत सरकार सोचती है, अभी अब जो मुख्यमंत्री बनी उसके पास मेरे शिष्य कहे तो उन्होंने कहा बेटा सरकार आपके मदद नहीं कर सकते क्योंकि अरबों डॉलर आ रहे हैं, आप करते रहो। सबको नोटिस दिया मुझे नहीं दिया,
उनके पास रिपोर्ट है रेनबर्ग जी की। तो इस प्रकार एक ऐसा परिवर्तन आया इस देश में, ये अवतारों की धरती है, अवतारों की धरती है, राम और कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए इसमें, बाकी सब पैगंबरवादी लोग हैं, ईसा ने किया, मूसा ने किया, ये किया, समझा। एक हमारा दर्शन है जो मतलब ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने की बात करता है, पातंजलि योग दर्शन। 33 और 36 सूत्र में इसका वर्णन है, समझे। ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर सुनाई देता है, समझे। मेरे कई शिष्यों को दिखता है, जब फ्यूचर दिख जाएगा तो फिर किस काम में फायदा है किस में घाटा है तो आपको मालूम हो जाएगा, तो फिर फेलियर नहीं हो गए व्यवहारिक जगत में, फेलियर नहीं हो गए। और पास्ट तो जो बीत चुका हो बीत चुका। मैंने एक किताब लिखी है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश में है। उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया और 18 साल तक वो भटकता रहा और 30 साल की उम्र में आया, उन्होंने 3 साल में आपको मार दिया, 3 साल में उनको क्रूसीफाई कर दिया। तो आप ध्यान मेरे पास आओ, दीक्षा फ्री दीक्षा दूंगा और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा कहाँ जन्मा और कहाँ मरा, 18 साल कहाँ हुआ, सब आपको दिख जाएगा, समझे। अब वहाँ इज्म आ जाता है, ईसा कर नहीं सका, मोहम्मद नहीं कर सका, मूसा नहीं कर सकता। 3 ग्रंथ है उनके, तैरात, एंजल्स और कुरान, और तीनों इस बात से परेशान है कि एक हिंदू है, हम नहीं कर सके वो काम, ये कैसे कर रहा है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा, आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा, तब फिर संसार का। अब ये लाइव जो हो रहा है ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पर हो रहा है, ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज़, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजिनी और आई थी मेरे पास एक तेल अविव से, उसने कहा आप तो ईसा के अवतार हो, यहाँ क्यों बैठे हो, समझे ना, समझे। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकले के पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगाईनाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगाईनाथ जी का मायक हूँ भाई, रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा, समझे ना, समझे। तो आए थे कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के मुनाफा को नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे, आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कै आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग
अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग शुरू कर दो। देश विदेश में होने वाले समस्त कार्यक्रम पूर्ण रूप से निशुल्क आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का कोई स्पॉन्सर नहीं होता, ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। इन प्रोग्रामों का पूर्ण खर्चा संस्था स्वयं वहन करती है। संस्था सरकार या किसी भी संगठन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लेती है। गुरुदेव द्वारा दीक्षित शिष्य अपने अंशदान द्वारा ही धन एकत्रित करते हैं, जिससे ये कार्य सुचारू रूप से जारी रहता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो आप तक पहुंचा है वो संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, तो आप इस संस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार गुरु शिष्य परम्परा में गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर भेंट या दक्षिणा देने का विधान है। अतः कोई शिष्य या शिष्या भेंट देना चाहे तो ड्राफ्ट या रोकड़ निम्न खाते में भेज सकता है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा प्रत्येक माह एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। स्पिरिचुअल साइंस नामक इस पत्रिका के देश विदेश में हजारों नियमित पाठक हैं। इस पत्रिका के माध्यम से संस्था आमजन में भारतीय योग दर्शन की वास्तविक स्थिति तथा आध्यात्मिक पथ पर मनुष्य के विकास और भविष्य में होने वाले मानव के दिव्य रूपांतरण के बारे में जागरूकता फैला रही है। यदि आप इस पत्रिका के सदस्य बनना चाहते हैं, तो संस्था के किसी भी कार्यालय या हेड ऑफिस पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुल्क वार्षिक 250 रूपए, द्विवार्षिक 500 रूपए और आजीवन शुल्क 2500 रूपए। फोन 0291-275-3699, मोबाइल 0982927-1539 या 0978-4742594। संस्था के पूरे भारत एवं विदेशों में कार्यालय हैं, जिसमें से प्रमुख हैं ध्यान की विधि।
सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या ना आए उसकी चिंता ना करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता ना करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है। इससे घबराएं नहीं, इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ये मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है। ठीक 15 मिनट बाद आप ध्यान की स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।